सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। आई एम अ टीचर, है ना। ये मैंने इसलिए लगाया कि स्कूल गोइंग एज के जितने भी चिल्ड्रन हैं हमारे इंडिया में, दे ऑल शुड बी हैविंग दिस बैग एट देयर बैग। बट वट इज़ हैपनिंग, यू माइट बी सीइंग सम चिल्ड्रन, है ना, वाइल यू आर गोइंग टू स्कूल हैविंग दिस बैग एट देयर बैग, येस और नो। तो यही आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं लॉ स्प्रिंग की। वे बच्चे स्क्रॉन्जिंग इन द गार्बेज, दे आर रैग पिकर्स, एंड वाइल स्क्रॉन्जिंग समटाइम्स दे फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी उन्हें कॉइन भी मिल जाता है। एंड दिस इज़ द टाइटल ऑफ दिस फर्स्ट एनेक्डोट्स, लॉ स्प्रिंग 12th क्लास बाय अनीस जोंग वी आर स्टडिंग। तो ये आप देख सकते हैं, उन्हें कभी कभी एक रुपया मिलता है, कॉइन मिलता है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, एंड समटाइम वो बोलते हैं कि 10 रुपी नोट भी मिल जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये सेग्रीगेशन का काम करते हैं बच्चे, कि उसमें से कुछ यूज़फुल हमें मिल जाए, हम उसको सेल करें और कुछ हमें कॉइन्स मिलें। और यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहती है कि जो कैलेस एटीट्यूड है सोसाइटी का, इन बच्चों के प्रति कोई कंसर्न नहीं है, पॉलिटिशियंस, वी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और सोसाइटी के अदर मेंबर्स, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू दीज चिल्ड्रन हु आर going for scrounging early in the morning barefoot. They are deprived of education. Their childhood is lost. Hence the title Law Spring. देखिए कितना अच्छा टाइटल है ये। On this lesson, I have given you video number 185 in which we have discussed about the introduction, writer, title and theme. And in video number 186, we have discussed the summary of this chapter. And today I am here with line-to-line full explanation. Writer here, Anees Jung, is talking about a quality education for these rag pickers of Simapuri. She wants to sensitize 12th class students. We want to sensitize you that you feel concerned when someone you are going to school, or एक और बच्चा जिसके बैग पर ये गंदगी का थैला है वो निकला है, वो भी सुबह 8 बजे, आप भी 8 बजे जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से ट्राइंग इट्स बेस्ट SSA चला रखा है, सब शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चला रखा है, एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है। Because if you ask their parents, they want to send them to school, but there is no school in their locality. I talked to such parents, you see at once. हम कबाड़ बीनते हैं सर, ये स्कूल जाता है। ये स्कूल जाता है? हाँ। कौन सी कक्षा में? सातवीं। इस दान तो सही बच जाए, बच्चे हमारे अच्छी सोसाइटी में आ जाए, उससे भी मेरा बच्चा अच्छी नौकरी करे, अच्छा काम करे, इस गंद से बचे। क्यों बच्चों को तो हम गंद में ऐसे ही नहीं लेके आगे खुश। अच्छा, करीबन 8 साल हो गया। बच्चे तीन बच्चे हैं ना, तीन स्कूल पढ़ते हैं, एक 12वीं में है, एक 7वीं 8वीं में है, और छोटा वाला 5वीं में पढ़ा रहा हूँ मैं, यही काम करके। उन बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका जो ये रैग पिकिंग का काम करते हैं, कूड़ा बीनने का, जो स्कूल के बैग की जगह गंद का बैग अपने पीछे रखते हैं? कि उनका बोरी बैग छोड़ के स्कूल बैग उनको लेना चाहिए, ये मेरे सलाह है। माँ बाप को भी मेरे ये सलाह है कि उनको स्कूल भेजो। तो दीज वर प्राण एंड पास्कल हु आर रैग पिकर्स, है ना, हुज चिल्ड्रन आर अकम्पनिंग देम इन रैग पिकिंग, बट स्टिल देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट इन द एज ग्रुप ऑफ व्हेन दे शुड बी इन द स्कूल्स, स्टिल दे आर आउट ऑफ स्कूल, है ना। तो यहाँ पर जो है, दे आर लूजिंग देयर चाइल्डहुड, देयर चाइल्डहुड इज लॉस्ट, हैंस द टाइटल लॉ स्प्रिंग। तो यहाँ पर राइटर यही कहना चाहती है कि प्लाइट ऑफ दीज स्कूल गोइंग एज चिल्ड्रन फोर्स टू वर्क in the age of when they should be in schools, and the callousness of society towards them is raised by the writer. Or literary devices बड़ा अच्छा वो use कर रही है। हम जान लेते हैं पहले अनीस जूंग के बारे में भी।
Anees Jung, 1964. She was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anees Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. She has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here, she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these school children, these children to a life of exploitation. So let's go for line to line full explanation. Before going ahead, I would say if you have not subscribed to my channel, subscribe kar lein, because every week I am coming with your different chapters like lesson 1, the last lesson I have given you. Aap usko bhi enjoy kijiye. Poets and Pancakes hai, Going Places is there, aur the interview hai, usko bhi enjoy kijiye. Third level hai, Tiger King hai, and Journey to the End of the Earth hai. And today I am here with Lost Spring. Very interesting. Mujhe subscribe जरूर कर लें और दोस्तों में share भी कीजिए और मुझे comment करें कि ये video मेरे आपको कैसे लग रहे हैं. और इससे पहले भी मैंने इसी lesson पर video number 185 देखिए, जिसमें मैंने title, introduction, writer और theme के बारे में, और 186 में मैंने summary भी दिया है. आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए line to line full explanation. Notice these expressions. तो हम ये नोटिस करेंगे एज एंड व्हेन जो आए मैं तभी आपको बताऊंगा, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे लुकिंग फॉर जब आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ. परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी है. स्लोग देयर डे लाइट आवर्स क्या होता है, ये जब वो कॉन्टेक्स्ट में आएगा मैं तब आपको बताने वाला हूँ. डार्क हटमेंट्स है. रूफ ओवर हिज हेड है. इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड. व्हाई डू यू डू दिस? सी द स्टार्टिंग इट्सेल्फ इज Starting is with a question. Anees Jung has met a ragpicker and she asks, here conversation starts, and start of the lesson is with a question. Why do you do this? I ask Sahib, आगे वो बता भी रही है, whom I encounter. Encounter हो गया उनका, पहले वो नहीं जानते थे एक दूसरे को, अचानक ही उन्होंने देखा एक दिन. एनकाउंटर का मीनिंग अगर हम देखें, एनकाउंटर इज अनएक्सपेक्टेडली व्हेन वी फेस समवन, दिस इज कॉल्ड एनकाउंटर. सो आई आस्क साहेब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड. हर सुबह वो मिलता था उसे स्क्रॉन्जिंग. स्क्रॉन्जिंग होता है टू सीक समथिंग, समथिंग मनी या फूड फ्रॉम समथिंग, दैट इज स्क्रॉन्जिंग, कि ढूंढना कुछ, जैसे वो गार्बेज में स्क्रॉन्ज करता था. सो स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड. नाउ सी दिस वर्ड गोल्ड. गोल्ड इज यूज्ड. गार्बेज में गोल्ड ढूंढ रहा है वो, स्क्रॉन्ज हो रहा है गोल्ड का. तो यहाँ पर जो है गोल्ड जो है एक मेटाफर है. वी कैनॉट फाइंड गोल्ड, बट राइटर हैज़ यूज द वर्ड गोल्ड. स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. मेरे पड़ोस में जो गार्बेज का डंप है उसमें वो ढूंढता हुआ मुझे मिलता था. साहिब लेफ्ट हिज होम एगो. बहुत पहले उन्होंने घर छोड़ दिया था. सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. ढाका से वो आए थे, और अमिड्स होता है इन द मिडल ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. वो हरे भरे खेतों में रहते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया. हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमरी. उसे बहुत दूर का मतलब कि वो नहीं है कि वो ढाका में रहा करते थे. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे. यहाँ पर वो फ्लैशबैक में स्टोरी चली गई है कि वो कहती है, पहले तो वो पूछ रही है व्हाई डू यू डू दिस, वो तो प्रेजेंट में है जब उसे एनकाउंटर होता है, मिला है एक रैग पिकर. अब वो फ्लैशबैक में चली गई है. राइटर का जो स्टाइल देखिए आप, फिगर ऑफ स्पीच कहिए आप, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताया करती थी उस रैग पिकर की, कि हमारे यहाँ पर जो है तूफान वगैरह बहुत आते थे, इस कारण हमें जो है घर छोड़ के ढाका का अपना यहाँ आना पड़ा. दैट्स वाई दे लुक दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. अब यहाँ पर आप देखिए लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर जो है एक फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है, और
अगर आपने अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज करना है तो आपने वर्ड की जगह फ्रेजेस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लुकिंग फॉर गोल्ड, एक बार फिर से गोल्ड यूज़ किया है कि वो गोल्ड ढूंढ रहा है, उसके अंदर गार्बेज में स्क्रॉन्ज कर रहा है, तो ये मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर आप समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ वन थिंग जो है उसको दूसरों में डालकर देखा जाता है। इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ, बड़े शहर में दिल्ली आ गए हैं वो, आगे डिस्कस करते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ये आंसर आ गया है, फिर से फ्लैशबैक से कहानी प्रेजेंट में आ गई है। वो जवाब देता है जब वो अनीस जुंग उससे नरेटर पूछ रही है व्हाई डू यू डू दिस, तो बीच में एक पैराग्राफ फ्लैशबैक में चला गया, आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। एक बार फिर से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है। ही मटर्स, मटर्स क्या होता है, धीरे धीरे बोलना, क्वाइटली वॉइस में, क्वाइट वॉइस में बोलना, या फिर कई बार हम अपने आप ही बुदबुदाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, तो उसको भी हम टॉक टू योर सेल्फ इज कॉल्ड मटर। तो ही मटर्स लुकिंग अवे। गो टू स्कूल, यहाँ पर देखिए फिर से राइटर ने कहा, सजेशन दिया अपना, आई से ग्लीबली, ग्लीबली होता है कि शोविंग डिसअप्रूवल, हालांकि उसे पता है कि स्कूल जाना उसके लिए संभव है कि नहीं है, बट स्टिल जो नरेटर ने है उसको एक सजेशन दिया है, गो टू स्कूल। तो रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, हालांकि उसको भी पता है कि उसकी एडवाइस जो है कितनी होलो है, खोखली जो है उसकी एक सलाह है, कि आप कभी उनके घर नहीं गए, आपको उनकी बैकग्राउंड नहीं पता, आपके उनके पेरेंट्स नहीं पता किस कंडीशन में वो रहते हैं, और आपने सिंपली कह दिया गो टू स्कूल, तो राइटर को खुद भी लग रहा है ग्लाइबली वो कह रही है, खुद भी पता है, और वो होलो है उसकी एडवाइस जो है, खोखली है। तो हमें खोखली एडवाइस, या जैसे कि पॉलिटिशियन इन्हें देते हैं, झूठे वादे करते हैं, इसी तरह से राइटर को भी जो है महसूस होता है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबर, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, यहाँ पर उसका रिप्लाई देखिए कि वो जो रैग पिकर है कह रहा है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। देखिए यहाँ पर जो अनीस जुंग हैं अपनी एक जो पॉइंट पे आना चाहती हैं, यहाँ पर उस रैग पिकर के थ्रू जो है आ रही हैं, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। यहाँ पर अनीस जुंग जो उठा रही हैं मुद्दा कि आज भी हम इन 2005 अपने बच्चों को 100% बच्चों को स्कूलिंग नहीं दे पा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। इफ़ ए स्कूल, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जॉकिंग, मैंने पूछा कि अगर मैं अपना स्कूल खोलूं क्या तू वहाँ आएगा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो बहुत खुशी से बोला हाँ आऊँगा मैं। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद नरेटर को वो लड़का जो है उसके पास भागा भागा आता है, इज योर स्कूल रेडी, और उससे पूछता है राइटर नरेटर से कि आपने मुझे कहा था कि अगर मैं अपना स्कूल खोलूं तुम आओगे, तो वो पूछ रहा है आफ्टर ए फ्यू डेज लेटर जब वो उसके पास दौड़ के आता है, इज योर स्कूल रेडी, कि आपने कहा था क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है, तो राइटर क्या जवाब दे, नरेटर क्या जवाब देता है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। अब ये आप उसका एक्सक्यूज कर लो, बहाना कर लो, आई से एम्बेरस्ड, देखिए खुद कि उसे लग रहा है कि मैंने झूठा वादा किया कि अगर मैं स्कूल खोल लूँ, वही झूठा वादा जो पॉलिटिशियन जो उनके साथ कर रहे हैं, एवरी 5 ईयर वो आते हैं, पब्लिक डिमांड रखती है, हो नहीं पाता है, और वो हम तो एम्बेरस फील करते हैं, क्या वे एम्बेरस फील करते हैं कि वे जनरल एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर पाए कि नहीं कर पाए, अपनी टर्म पूरी हो रही है उनकी। सो आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड, और मुझे पता था कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मैंने ये वादा किया, आज वो मुझसे आके पूछ रहा है, वो क्या आंसर करे, ठीक है। तो लाइक अदर पॉलिटिशियंस दैट दे डू विद पुअर, सो इज हेयर हैपनिंग विद नरेटर व्हेन शी वाज आस्क्ड बाय दैट रैग पिकर हैज शी ओपन्ड हर स्कूल, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ये उसके लिए जो संसार है, जो राइटर में नरेटर महसूस कर रहा है कि होपफुल नहीं है, तो मैंने भी ऐसा झूठा वादा उससे कर दिया जो उससे सभी करते हैं, उसकी बस्ती में आकर बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन करता कोई नहीं है, तो वो एम्बेरस्ड फील हो रही है। ओ ओ ओ द बेल हैज़ रंग, बट नो प्रॉब्लम, आई एम कमिंग टुमारो इन द सेम स्लॉट, होप यू विल ज्वाइन मी देयर, वी आर गोइंग टू एन्जॉय इन पार्ट टू, ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई एम वेटिंग यू देयर, क्लिक ऑन दिस बटन, दिस विल टेक यू टू माई And next part of this lesson. Thank you.